नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कर्ज मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कर्ज फिल्म, कर्ज अनुवाद ऋण सुहास गई द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी गरेवाल भी है जो कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका में है, जो कि जानलेवा पत्नी है। पिछला जीवन जिसने उन्हें फिल्मफेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसने ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए और उन्होंने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन दो हिट फिल्मों के लिए दो फिल्मफेयर नामांकन प्राप्त हुए। निर्देशक सुभाष घई द्वारा लिखित डॉक्टर राही मासूम रजा संवाद पटकथा की है। सचिन भौमिक द्वारा निर्मित अख्तर फारूकी जगजीत खुराना अभिनीत ऋषि कपूर टीना मुनीम सिमी गरेवाल राजकिरण प्राण पिंचू कपूर मैकमोहन छायांकन कमलाकर रावत द्वारा संपादित बामन भोसले गुरुदत्त शिराली संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी गीत द्वारा वितरित मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड रिलीज की तारीख 1980 कार्यकारी समय 157 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बॉक्स ऑफिस 55 मिलियन भूखंड फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिन्होंने रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी मां को उसे खुशखबरी माना सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है, जो उसे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है। अपने बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मरने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे, जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। दो दशक बाद जीजी ओबेरॉय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं, जो एक धुन से शुरू होती है जिसे रवि पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद यह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से वह छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी संयोग से कुन्नूर के पास जाता है, जहाँ टीना रहती है और उन्हें प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि उसे एक महिला ने पाला था, जिसे वह रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सज़ा काटकर जेल से रिहा हो गया है। जैसे ही मोंटी क्षेत्र की खोज करता है और स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसमें रवि की मां और उसकी बहन को कामिनी द्वारा उनके घर से निकाल दिया गया था, वह रवि की यादों का और अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली के मंदिर से जुड़े एक रहस्य को सुनने के बाद की थी। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए
ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हुए कि वह रवि का पुनर्जन्म है, मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीज़ों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। अपनी अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं जिसमें कामनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामनी रवि की माँ और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। हालांकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामनी के बदले में उसे पेश किया। जैसे ही आदान प्रदान होने वाला होता है, टीना कामनी पर कूद पड़ती है जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटी उन्हें बचाता है और यहूदा को आग में मार देता है। कामनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटी उसका पीछा करता है। वह उसी तरह काली के मंदिर में चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है जिस तरह उसने रवि को मारा था, लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति और संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। पेकना, ऋषि कपूर, मोंटी ओबराय, रवि वर्मा का पुनः अवतार, एक रॉक स्टार, राज किरण, रवि वर्मा, शांता प्रसाद वर्मा के पुत्र सिमी गरेवाल, कामनी देवी वर्मा, रवि वर्मा की विधवा रानी साहिबा, टीना मोंटी ओबराय, कबीरा की भतीजी, मोंटी की लव इंटरेस्ट और बात की पत्नी, प्रेमनाथ, सर यहूदाही मुख्य विरोधी, PRAN, कबीर बादशाह उर्फ कबीरा, टीना के चाचा, दुर्गा खोटे, श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा, रवि वर्मा की माँ रानी माँ, आभा धूलिया, ज्योति वर्मा, पिंकी, रवि वर्मा की बहन, जलाल अघा, डॉक्टर दयाली, मोंटी की दोस्त चिंकू कपूर, श्री जीजी ओबराय, मोंटी का मेंटर इफ्तिखार, डॉक्टर डेनियल, डॉक्टर दयाल के वरिष्ठ, मोंटी के डॉक्टर बिजू कोटे, बनिया बाएं हाथ, कबीरा का मनु, बीरबली दान्या दाहिना हाथ, कबीरा का मनु, मैक मोहन, सर यहूदा का माने कमान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है, अरुणा ईरानी नर्तकी, कमल है गाने में मुकरिस कॉलेज प्राचार्य, यूसुफ खान, रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी, कमलदीप, पीपी रॉय सर यहूदा के वकील। गीत संगीत कर साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मुक्त 1980, भारत, शैली फिल्म साउंड ट्रैक लेबल सारेगामा पब्लिक EMI, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कालक्रम ज्योति बनेज्वाला 1980, कर्ज 1980, बेरहम 1980। फिल्म के साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित ट्रैक शामिल है। आनंद बख्शी के गीतों के साथ जिन्होंने इन दो हिट ओम शांति ओम और दर्द दिल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त किए। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जीता वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक की ट्रॉफी, किशोर कुमार द्वारा एक हसीना थी और ओम शांति ओम और मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्द दिल जैसी हिट फिल्मों के साथ साउंड ट्रैक भारतीय संगीत उद्योग में डिस्को संगीत और विशेष रूप से फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए एक ट्रेंड सेंटर था। सिग्नेचर ट्यून को जो आज भी यादगार धुनों में से एक के रूप में याद किया जाता है, शीर्षक गीत ओम शांति ओम इसी नाम का लॉर्ड शॉर्टी कैलिप्सो गीत, जबकि नाटकीय एक हसीना थी जॉर्ज बेंसन के वी एज लव जैसा दिखता है। फिल्म का चार्टबस्टर गीत ओम शांति ओम किशोर कुमार द्वारा गाया गया।
बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1980 में नंबर 2 स्थान पर पहुंच गया, जबकि लता और किशोर के बीच एक और युगल तू कितने बरस की 13वें नंबर पर पहुंच गया। गाना नंबर 1 शांति, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 पैसा ये पैसा, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 तू कितने बरस की, तू कितने बरस का, इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 एक हसीना थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कमल है कमाल है, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मन्ना डे और अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 6 दर्द दिल दर्द जिगर दिल ने जगाया आपने, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 थीम संगीत, इस गाने के गायकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कर्ज मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कर्ज फिल्म, कर्ज अनुवाद ऋण, सुहास गई द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी गरेवाल भी है जो कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका में है, जो कि जानलेवा पत्नी है। पिछला जीवन जिसने उन्हें फिल्मफेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसने ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए और उन्होंने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन दो हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्मफेयर नामांकन प्राप्त हुए। निर्देशक सुभाष घई द्वारा लिखित डॉक्टर राही मासूम रजा संवाद पटकथा की है। सचिन भौमिक द्वारा निर्मित अख्तर फारूकी जगजीत खुराना अभिनीत ऋषि कपूर टीना मुनीम सिमी गरेवाल राजकिरण प्राण पिंचू कपूर मैकमोहन छायांकन कमलाकर रावत द्वारा संपादित बामन भोसले गुरुदत्त शिराली संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी गीत द्वारा वितरित मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड रिलीज की तारीख 1980 कार्यकारी समय 157 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बॉक्स ऑफिस 55 मिलियन भूखंड फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिन्होंने रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी मां को उसे खुशखबरी मना सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामिनी से शादी कर रहा है, जो उसे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामिनी देवी काली के छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है। अपने बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मरने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे, जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओबेराय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं, जो एक धुन से शुरू होती है जिसे रवि पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद
यह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से वह छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी संयोग से कुन्नूर के पास जाता है जहाँ टीना रहती है और उन्हें प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि उसे एक महिला ने पाला था जिसे वह रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सज़ा काटकर जेल से रिहा हो गया है। जैसे ही मोंटी क्षेत्र की खोज करता है और स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसमें रवि की माँ और उसकी बहन को कामिनी द्वारा उनके घर से निकाल दिया गया था, वह रवि की यादों का और अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली के मंदिर से जुड़े एक रहस्य को सुनने के बाद की थी। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हुए कि वह रवि का पुनर्जन्म है, मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीज़ों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। अपनी अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की माँ और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। हालांकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में उसे पेश किया। जैसे ही आदान प्रदान होने वाला होता है, टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटी उन्हें बचाता है और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटी उसका पीछा करता है। वह उसी तरह काली के मंदिर में चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मारा था, लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति और संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। पेकना ऋषि कपूर, मोंटी ओबराय, रवि वर्मा का पुनः अवतार एक रॉक स्टार, राज किरण रवि वर्मा, शांता प्रसाद वर्मा के पुत्र सिमी गरेवाल, कामिनी देवी वर्मा, रवि वर्मा की विधवा रानी साहिबा, टीना मोंटी ओबराय, कबीरा की भतीजी, मोंटी की लव इंटरेस्ट और बात की पत्नी, प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी, PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा, टीना के चाचा दुर्गा खोटे, श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा, रवि वर्मा की माँ रानी माँ, आभा धूलिया, ज्योति वर्मा, पिंकी रवि वर्मा की बहन, जलाल अघा, डॉक्टर दयाली, मोंटी की दोस्त, चिंकू कपूर, श्री जीजी ओबराय, मोंटी का मेंटर इफ्तिखार, डॉक्टर डेनियल, डॉक्टर दयाल के वरिष्ठ, मोंटी के डॉक्टर बिजू कोटे, बनिया बाएं हाथ, कबीरा का मनु, बीरबली दान्या दाहिना हाथ, कबीरा का मनु, मैक मोहन सर यहूदा का माने का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है, अरुणा ईरानी नर्तकी, कमल है गाने में मुकरिस कॉलेज प्राचार्य, यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी, कमलदीप पी.पी. रॉय सर यहूदा के वकील,
गीत संगीतकार साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुक्त 1980 भारत शैली फिल्म साउंड ट्रैक लेबल सारेगामा पब्लिक EMI निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालक्रम ज्योति बने ज्वाला 1980 कर्ज 1980 बेरहम 1980 फिल्म के साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित ट्रैक शामिल है। आनंद बख्शी के गीतों के साथ जिन्होंने इन दो हिट ओम शांति ओम और दर्द दिल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त किए। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जीता वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक की ट्रॉफी किशोर कुमार द्वारा एक हसीना थी और ओम शांति ओम और मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्द दिल जैसी हिट फिल्मों के साथ साउंड ट्रैक भारतीय संगीत उद्योग में डिस्को संगीत और विशेष रूप से फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए एक ट्रेंड सेंटर था। सिग्नेचर ट्यून को जो आज भी यादगार धुनों में से एक के रूप में याद किया जाता है शीर्षक गीत ओम शांति ओम इसी नाम का लॉर्ड शॉर्टी कैलिप्सो गीत जबकि नाटकीय एक हसीना थी जॉर्ज बेंसन के वी एज लव जैसा दिखता है। फिल्म का चार्टबस्टर गीत ओम शांति ओम किशोर कुमार द्वारा गाया गया बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1980 में नंबर 2 स्थान पर पहुंच गया जबकि लता और किशोर के बीच एक और युगल तू कितने बरस की 13वें नंबर पर पहुंच गया। गाना नंबर 1 शांति इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 पैसा ये पैसा इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 तू कितने बरस की तू कितने बरस का इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 एक हसीना थी इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कमल है कमाल है इस गाने के गायकार किशोर कुमार मन्ना डे और अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 6 दर्दे दिल दर्द जिगर दिल ने जगाया आपने इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 थीम संगीत इस गाने के गायकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कर्ज मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कर्ज फिल्म कर्ज अनुवाद ऋण सुहास गई द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी गरेवाल भी है जो कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका में है जो कि जानलेवा पत्नी है। पिछला जीवन जिसने उन्हें फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था जिसने ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए और उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन दो हिट फिल्मों के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए। निर्देशक सुभाष घई द्वारा लिखित डॉक्टर राही मासूम रजा संवाद पटकथा की है सचिन भौमिक द्वारा निर्मित अख्तर फारूकी जगजीत खुराना अभिनीत ऋषि कपूर टीना मुनीम सिमी गरेवाल राज किरण प्राण पिंचू कपूर मैकमोहन छायांकन कमलाकर राव द्वारा संपादित बामन भोसले गुरुदत्त शिराली संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी गीत द्वारा वितरित मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड रिलीज की तारीख 1980 कार्यकारी समय 157 मिनट
देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 55 मिलियन। भूखंड, फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिन्होंने रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी माँ को उसे खुशखबरी माना सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है जो उसे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है। अपने बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की माँ ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मरने के लिए अपनी माँ का कर्ज चुकाने दे, जबकि कामनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओबराय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं, जो एक धुन से शुरू होती है जिसे रवि पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद यह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से वह छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी संयोग से कुन्नूर के पास जाता है जहाँ टीना रहती है और उन्हें प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि उसे एक महिला ने पाला था जिसे वह रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सज़ा काटकर जेल से रिहा हो गया है। जैसे ही मोंटी क्षेत्र की खोज करता है और स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसमें रवि की माँ और उसकी बहन को कामनी द्वारा उनके घर से निकाल दिया गया था, वह रवि की यादों का और अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामनी एक ही है। कबीरा तब मोटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामनी के भाई ने रवि और काली के मंदिर से जुड़े एक रहस्य को सुनने के बाद की थी। प्रतिशोध में कबीना ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हुए कि वह रवि का पुनर्जन्म है, मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीज़ों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। अपनी अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामनी शामिल होती है, जहाँ वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामनी रवि की माँ और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। हालांकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में उसे पेश किया। जैसे ही आदान प्रदान होने वाला होता है, टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटी उन्हें बचाता है और यहूदा को आग में मार देता है। कामनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटी उसका पीछा करता है। वह उसी तरह काली के मंदिर में चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मारा था, लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति और संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। पेकना, ऋषि कपूर, मोंटी ओबराय, रवि वर्मा का पुनः अवतार एक रॉक स्टार, राज किरण रवि वर्मा, शांता प्रसाद वर्मा के पुत्र सिमी गरेवाल, कामनी देवी वर्मा, रवि वर्मा की विधवा रानी साहिबा, टीना मोंटी ओबराय, कबीरा की भतीजी, मोंटी की लव इंटरेस्ट और बात की पत्नी, प्रेमनाथ सर यहूदाही,
मुख्य विरोधी PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा, टीना के चाचा दुर्गा खोटे, श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा, रवि वर्मा की माँ रानी माँ, आभा धूलिया, ज्योति वर्मा, पिंकी, रवि वर्मा की बहन, जलाल अघा, डॉक्टर दयाली, मोंटी की दोस्त, चिंकू कपूर, श्री जीजी ओबराय, मोंटी का मेंटर इफ्तिकार, डॉक्टर डेनियल, डॉक्टर दयाल के वरिष्ठ, मोंटी के डॉक्टर बिजू कोटे, बनिया बाएं हाथ, कबीरा का मनु, बीरबली दान्या दाहिना हाथ, कबीरा का मनु, मैक मोहन, सर यहूदा का माने का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है, अरुणा ईरानी नर्तकी, कमल है गाने में, मुकरिस कॉलेज प्राचार्य, यूसुफ खान, रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी, कमलदीप, पीपी रॉय, सर यहूदा के वकील, गीत संगीत कर साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मुक्त 1980 भारत, शैली फिल्म साउंड ट्रैक लेबल सारेगामा ऑब्लिक EMI, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालक्रम ज्योति बने ज्वाला 1980 कर्ज 1980 बेरहम 1980। फिल्म के साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित ट्रैक शामिल है आनंद बख्शी के गीतों के साथ, जिन्होंने इन दो हिट ओम शांति ओम और दर्द दिल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त किए। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जीता वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक की ट्रॉफी, किशोर कुमार द्वारा एक हसीना थी और ओम शांति ओम और मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्द दिल जैसी हिट फिल्मों के साथ साउंड ट्रैक भारतीय संगीत उद्योग में डिस्को संगीत और विशेष रूप से फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए एक ट्रेंड सेंटर था। सिग्नेचर ट्यून को जो आज भी यादगार धुनों में से एक के रूप में याद किया जाता है, शीर्षक गीत ओम शांति ओम इसी नाम का लॉर्ड शॉर्टी कैलिप्सो गीत, जबकि नाटकीय एक हसीना थी जॉर्ज बेंसन के वी एज लव जैसा दिखता है। फिल्म का चार्टबस्टर गीत ओम शांति ओम किशोर कुमार द्वारा गाया गया बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1980 में नंबर 2 स्थान पर पहुंच गया, जबकि लता और किशोर के बीच एक और युगल तू कितने बरस की 13वें नंबर पर पहुंच गया। गाना नंबर 1 शांति, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 पैसा ये पैसा, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 तू कितने बरस की, तू कितने बरस का, इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 एक हसीना थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कमल है कमाल है, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मन्ना डे और अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 6 दर्द दिल दर्द जिगर दिल ने जगाया आपने, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 थीम संगीत, इस गाने के गायकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कर्ज मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कर्ज फिल्म, कर्ज अनुवाद ऋण, सुहास गई द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें
सिमी गरेवाल भी है जो कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका में है, जो कि जानलेवा पत्नी है। पिछला जीवन जिसने उन्हें फिल्मफेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसने ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए और उन्होंने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन दो हिट फिल्मों के लिए दो फिल्मफेयर नामांकन प्राप्त हुए। निर्देशक सुभाष घई द्वारा लिखित डॉक्टर राही मासूम रजा संवाद पटकथा की है। सचिन भौमिक द्वारा निर्मित अख्तर फारूकी जगजीत खुराना अभिनीत ऋषि कपूर टीना मुनीम सिमी गरेवाल राजकिरण प्राण पिंचू कपूर मैक मोहन छायांकन कमलाकर रावत द्वारा संपादित बामन भोसले गुरुदत्त शिराली संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी गीत द्वारा वितरित मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड रिलीज की तारीख 1980 कार्यकारी समय 157 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बॉक्स ऑफिस 55 मिलियन भूखंड फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिन्होंने रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी माँ को उसे खुशखबरी मना सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामिनी से शादी कर रहा है, जो उसे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामिनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है। अपने बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की माँ ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मरने के लिए अपनी माँ का कर्ज चुकाने दे, जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। दो दशक बाद जीजी ओबेराय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं, जो एक धुन से शुरू होती है जिसे रवि पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद यह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से वह छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी संयुक्त से कुन्नूर के पास जाता है, जहाँ टीना रहती है, और उन्हें प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि उसे एक महिला ने पाला था, जिसे वह रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सज़ा काटकर जेल से रिहा हो गया है। जैसे ही मोंटी क्षेत्र की खोज करता है और स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसमें रवि की माँ और उसकी बहन को कामिनी द्वारा उनके घर से निकाल दिया गया था, वह रवि की यादों का और अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली के मंदिर से जुड़े एक रहस्य को सुनने के बाद की थी। प्रतिशोध में कबीना ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हुए कि वह रवि का पुनर्जन्म है, मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीज़ों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। अपनी अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की माँ और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। हालांकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में उसे पेश किया। जैसे ही आदान प्रदान होने वाला होता है, टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे
माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटी उन्हें बचाता है और यहूदा को आग में मार देता है। कामनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटी उसका पीछा करता है। वह उसी तरह काली के मंदिर में चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है जिस तरह उसने रवि को मारा था, लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति और संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। फेंकना ऋषि कपूर, मोंटी ओबराय, रवि वर्मा का पुनः अवतार एक रॉक स्टार, राज किरण, रवि वर्मा, शांता प्रसाद वर्मा के पुत्र सिमी गरेवाल, कामनी देवी वर्मा, रवि वर्मा की विधवा रानी साहिबा, टीना मोंटी ओबराय, कबीरा की भतीजी, मोंटी की लव इंटरेस्ट और बात की पत्नी, प्रेमनाथ सर यहूदाई मुख्य विरोधी, PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा, टीना के चाचा दुर्गा खोटे, श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा, रवि वर्मा की माँ रानी माँ, आभा धूलिया, ज्योति वर्मा, पिंकी, रवि वर्मा की बहन, जलाल अघा, डॉक्टर दयाली, मोंटी की दोस्त चिंकू कपूर, श्री जीजी ओबराय, मोंटी का मेंटर इफ्तिखार, डॉक्टर डेनियल, डॉक्टर दयाल के वरिष्ठ मोंटी के डॉक्टर बिजू कोटे, बनिया बाएं हाथ कबीरा का मनु, बीरबली दान्या दाहिना हाथ कबीरा का मनु, मैक मोहन सर यहूदा का माने का मान एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है, अरुणा ईरानी नर्तकी, कमल है गाने में मुकरिस कॉलेज प्राचार्य, यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी, कमलदीप पीपी रॉय सर यहूदा के वकील, गीत संगीत कर साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुक्त 1980 भारत, शैली फिल्म साउंडट्रैक लेबल सारेगामा ऑब्लिक EMI, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कालक्रम ज्योति बनेज्वाला 1980, कर्ज 1980, बेरहम 1980। फिल्म के साउंडट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित ट्रैक शामिल है आनंद बख्शी के गीतों के साथ, जिन्होंने इन दो हिट ओम शांति ओम और दर्द दिल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त किए। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जीता वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक की ट्रॉफी, किशोर कुमार द्वारा एक हसीना थी और ओम शांति ओम और मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्द दिल जैसी हिट फिल्मों के साथ साउंडट्रैक भारतीय संगीत उद्योग में डिस्को संगीत और विशेष रूप से फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए एक ट्रेंड सेंटर था। सिग्नेचर ट्यून को जो आज भी यादगार धुनों में से एक के रूप में याद किया जाता है, शीर्षक गीत ओम शांति ओम इसी नाम का लॉर्ड शॉर्टी कैलिप्सो गीत, जबकि नाटकीय एक हसीना थी जॉर्ज बेंसन KV एज लव जैसा दिखता है। फिल्म का चार्टबस्टर गीत ओम शांति ओम किशोर कुमार द्वारा गाया गया। विनाका गीतमाला की वार्षिक सूची 1980 में नंबर 2 स्थान पर पहुंच गया, जबकि लता और किशोर के बीच एक और युगल तू कितने बरस की 13वें नंबर पर पहुंच गया। गाना नंबर 1 शांति, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 पैसा ये पैसा, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 तू कितने बरस की, तू कितने बरस का, इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 एक हसीना थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कमल है कमाल है, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मन्ना डे और अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 6 दर्दे दिल दर्द जिगर दिल ने जगाया आपने, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 थीम संगीत, इस गाने के गायकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कर्ज मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कर्ज फिल्म, कर्ज अनुवाद ऋण, सुहास गई द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी गरेवाल भी है, जो कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका में है, जो कि जानलेवा पत्नी है। पिछला जीवन, जिसने उन्हें फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसने ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए और उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन दो हिट फिल्मों के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए। निर्देशक सुभाष घई द्वारा लिखित डॉक्टर राही मासूम रजा संवाद पटकथा की है। सचिन भौमिक द्वारा निर्मित अख्तर फारूकी जगजीत खुराना अभिनीत ऋषि कपूर टीना मुनीम सिमी गरेवाल राज किरण प्राण पिंचू कपूर मैकमोहन छायांकन कमलाकर राव द्वारा संपादित बामन भोसले गुरुदत्त शिराली संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी गीत द्वारा वितरित मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड रिलीज की तारीख 1980 कार्यकारी समय 157 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बॉक्स ऑफिस 55 मिलियन। भूखंड फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिन्होंने रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी मां को उसे खुशखबरी माना सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है, जो उसे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है। अपने बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मरने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे, जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। दो दशक बाद जीजी ओबराय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं, जो एक धुन से शुरू होती है जिसे रवि पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद यह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से वह छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी संयोग से कुन्नूर के पास जाता है, जहाँ टीना रहती है, और उन्हें प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि उसे एक महिला ने पाला था, जिसे वह रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सज़ा काटकर जेल से रिहा हो गया है। जैसे ही मोंटी क्षेत्र की खोज करता है और स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसमें रवि की मां और उसकी बहन को कामिनी द्वारा उनके घर से निकाल दिया गया था, वह रवि की यादों का और अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली के मंदिर से जुड़े एक रहस्य को सुनने के बाद की थी। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह
जेल चला गया। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हुए कि वह रवि का पुनर्जन्म है, मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीज़ों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। अपनी अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की माँ और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। हालांकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में उसे पेश किया। जैसे ही आदान प्रदान होने वाला होता है, टीना कामिनी पर कूद पड़ती है जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटी उन्हें बचाता है और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटी उसका पीछा करता है। वह उसी तरह काली के मंदिर में चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है जिस तरह उसने रवि को मारा था, लेकिन इस बार मोंटी कूद गया जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति और संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। पेकना, ऋषि कपूर, मोंटी ओबराय, रवि वर्मा का पुनः अवतार एक रॉक स्टार, राज किरण, रवि वर्मा, शांता प्रसाद वर्मा के पुत्र सिमी गरेवाल, कामिनी देवी वर्मा, रवि वर्मा की विधवा रानी साहिबा, टीना मोंटी ओबराय, कबीरा की भतीजी, मोंटी की लव इंटरेस्ट और बात की पत्नी, प्रेमनाथ, सर यहूदाही मुख्य विरोधी, PRAN, कबीर बादशाह उर्फ कबीरा, टीना के चाचा दुर्गा खोटे, श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा, रवि वर्मा की माँ रानी माँ, आभा धूलिया, ज्योति वर्मा, पिंकी, रवि वर्मा की बहन, जलाल अघा, डॉक्टर दयाली, मोंटी की दोस्त, चिंकू कपूर, श्री जीजी ओबराय, मोंटी का मेंटर, इफ्तिकार, डॉक्टर डेनियल, डॉक्टर दयाल के वरिष्ठ, मोंटी के डॉक्टर, बिजू कोटे, बनिया बाएं हाथ, कबीरा का मनु, बीरबली दान्या दाहिना हाथ, कबीरा का मनु, मैक मोहन, सर यहूदा का माने का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है, अरुणा ईरानी नर्तकी, कमल है गाने में, मुकरिस कॉलेज प्राचार्य, यूसुफ खान, रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी, कमलदीप, पीपी रॉय, सर यहूदा के वकील। गीत संगीत कर साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मुक्त 1980, भारत, शैली फिल्म साउंड ट्रैक लेबल सारेगामा पब्लिक EMI, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कालक्रम ज्योति बनेजवाला 1980, कर्ज 1980, बेरहम 1980। फिल्म के साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित ट्रैक शामिल है। आनंद बख्शी के गीतों के साथ जिन्होंने इन दो हिट ओम शांति ओम और दर्द दिल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त किए। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जीता वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक की ट्रॉफी, किशोर कुमार द्वारा एक हसीना थी और ओम शांति ओम और मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्द दिल जैसी हिट फिल्मों के साथ साउंड ट्रैक भारतीय संगीत उद्योग में डिस्को संगीत और विशेष रूप से फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए एक ट्रेंड सेंटर था। सिग्नेचर ट्यून को जो आज भी यादगार धुनों में से एक के रूप में याद किया जाता है, शीर्षक गीत ओम शांति ओम इसी नाम का लॉर्ड शॉर्टी कैलिप्सो गीत, जबकि नाटकीय एक हसीना थी जॉर्ज
बेंसन के वी एज लव जैसा दिखता है। फिल्म का चार्टबस्टर गीत ओम शांति ओम किशोर कुमार द्वारा गाया गया। बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1980 में नंबर 2 स्थान पर पहुंच गया, जबकि लता और किशोर के बीच एक और युगल तू कितने बरस की 13वें नंबर पर पहुंच गया। गाना नंबर 1 शांति, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 पैसा ये पैसा, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 तू कितने बरस की, तू कितने बरस का, इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 एक हसीना थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कमल है कमाल है, इस गाने के गायकार किशोर कुमार मन्ना डे और अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 6 दर्द दिल दर्द जिगर दिल ने जगाया आपने, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 थीम संगीत, इस गाने के गायकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कर्ज मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कर्ज फिल्म, कर्ज अनुवाद ऋण, सुहास गई द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी गरेवाल भी है जो कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका में है, जो कि जानलेवा पत्नी है। पिछला जीवन जिसने उन्हें फिल्मफेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसने ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए और उन्होंने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन दो हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्मफेयर नामांकन प्राप्त हुए। निर्देशक सुभाष घई द्वारा लिखित डॉक्टर राही मासूम रजा संवाद पटकथा की है। सचिन भौमिक द्वारा निर्मित अख्तर फारूकी जगजीत खुराना अभिनीत ऋषि कपूर टीना मुनीम सिमी गरेवाल राजकिरण प्राण पिंचू कपूर मैकमोहन छायांकन कमलाकर रावत द्वारा संपादित बामन भोसले गुरुदत्त शिराली संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी गीत द्वारा वितरित मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड रिलीज की तारीख 1980 कार्यकारी समय 157 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बॉक्स ऑफिस 55 मिलियन भूखंड फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिन्होंने रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी माँ को उसे खुशखबरी मना सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है, जो उसे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है। अपने बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की माँ ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मरने के लिए अपनी माँ का कर्ज चुकाने दे, जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओबेरॉय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं, जो एक
धुन से शुरू होती है जिसे रवि पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद यह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से वह छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी संयुक्त से कुन्नूर के पास जाता है जहाँ टीना रहती है और उन्हें प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि उसे एक महिला ने पाला था जिसे वह रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सज़ा काटकर जेल से रिहा हो गया है। जैसे ही मोंटी क्षेत्र की खोज करता है और स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसमें रवि की माँ और उसकी बहन को कामिनी द्वारा उनके घर से निकाल दिया गया था, वह रवि की यादों का और अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली के मंदिर से जुड़े एक रहस्य को सुनने के बाद की थी। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हुए कि वह रवि का पुनर्जन्म है, मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीज़ों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। अपनी अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की माँ और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। हालांकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में उसे पेश किया। जैसे ही आदान प्रदान होने वाला होता है, टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटी उन्हें बचाता है और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटी उसका पीछा करता है। वह उसी तरह काली के मंदिर में चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मारा था, लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति और संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। पेकना ऋषि कपूर, मोंटी ओबराय, रवि वर्मा का पुनः अवतार एक रॉक स्टार, राज किरण, रवि वर्मा, शांता प्रसाद वर्मा के पुत्र सिमी गरेवाल, कामिनी देवी वर्मा, रवि वर्मा की विधवा रानी साहिबा, टीना मोंटी ओबराय, कबीरा की भतीजी, मोंटी की लव इंटरेस्ट और बात की पत्नी, प्रेमनाथ, सर यहूदाही मुख्य विरोधी, PRAN, कबीर बादशाह उर्फ कबीरा, टीना के चाचा दुर्गा खोटे, श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा, रवि वर्मा की माँ रानी माँ, आभा धूलिया, ज्योति वर्मा, पिंकी, रवि वर्मा की बहन, जलाल अघा, डॉक्टर दयाली, मोंटी की दोस्त चिंकू कपूर, श्री जीजी ओबराय, मोंटी का मेंटर इफ्तिखार, डॉक्टर डेनियल, डॉक्टर दयाल के वरिष्ठ, मोंटी के डॉक्टर बिजू कोटे, बनिया बाएं हाथ, कबीरा का मनु, बीरबली दान्या दाहिना हाथ, कबीरा का मनु, मैक मोहन, सर यहूदा का माने का मान एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है, अरुणा ईरानी नर्तकी, कमल है गाने में मुकरिस कॉलेज प्राचार्य, यूसुफ खान, रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी, कमलदीप, पी पी रॉय सर यहूदा के वकील,
गीत संगीतकार साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुक्त 1980 भारत शैली फिल्म साउंड ट्रैक लेबल सारेगामा पब्लिक EMI निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालक्रम ज्योति बने ज्वाला 1980 कर्ज 1980 बेरहम 1980 फिल्म के साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित ट्रैक शामिल है। आनंद बख्शी के गीतों के साथ जिन्होंने इन दो हिट ओम शांति ओम और दर्द दिल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त किए। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जीता वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक की ट्रॉफी किशोर कुमार द्वारा एक हसीना थी और ओम शांति ओम और मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्द दिल जैसी हिट फिल्मों के साथ साउंड ट्रैक भारतीय संगीत उद्योग में डिस्को संगीत और विशेष रूप से फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए एक ट्रेंड सेंटर था। सिग्नेचर ट्यून को जो आज भी यादगार धुनों में से एक के रूप में याद किया जाता है। शीर्षक गीत ओम शांति ओम इसी नाम का लॉर्ड शॉर्टी कैलिप्सो गीत जबकि नाटकीय एक हसीना थी जॉर्ज बेंसन के वी एज लव जैसा दिखता है। फिल्म का चार्टबस्टर गीत ओम शांति ओम किशोर कुमार द्वारा गाया गया बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1980 में नंबर 2 स्थान पर पहुंच गया जबकि लता और किशोर के बीच एक और युगल तू कितने बरस की 13वें नंबर पर पहुंच गया। गाना नंबर 1 शांति इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 पैसा ये पैसा इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 तू कितने बरस का इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 एक हसीना थी इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कमल है इस गाने के गायकार किशोर कुमार मन्ना डे और अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 6 दर्द जिगर दिल ने जगाया अपने इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 थीम संगीत इस गाने के गायकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कर्ज मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कर्ज फिल्म कर्ज अनुवाद ऋण सुहास गई द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी गरेवाल भी है जो कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका में है जो कि जानलेवा पत्नी है। पिछला जीवन जिसने उन्हें फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था जिसने ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए और उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन दो हिट फिल्मों के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए। निर्देशक सुभाष घई द्वारा लिखित डॉक्टर राही मासूम रजा संवाद पटकथा की है। सचिन भौमिक द्वारा निर्मित अख्तर फारूकी जगजीत खुराना अभिनीत ऋषि कपूर टीना मुनीम सिमी गरेवाल राज किरण प्राण पिंचू कपूर मैकमोहन छायांकन कमलाकर राव द्वारा संपादित बामन भोसले गुरुदत्त शिराली संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी गीत द्वारा वितरित मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड रिलीज की तारीख 1980 कार्यकारी समय 157 मिनट
देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 55 मिलियन। भूखंड, फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिन्होंने रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी माँ को उसे खुशखबरी मना सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है जो उसे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है। अपने बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की माँ ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मरने के लिए अपनी माँ का कर्ज चुकाने दे, जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओबराय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं, जो एक धुन से शुरू होती है जिसे रवि पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद यह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से वह छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी संयोग से कुन्नूर के पास जाता है जहाँ टीना रहती है और उन्हें प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि उसे एक महिला ने पाला था जिसे वह रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सज़ा काटकर जेल से रिहा हो गया है। जैसे ही मोंटी क्षेत्र की खोज करता है और स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसमें रवि की माँ और उसकी बहन को कामिनी द्वारा उनके घर से निकाल दिया गया था, वह रवि की यादों का और अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली के मंदिर से जुड़े एक रहस्य को सुनने के बाद की थी। प्रतिशोध में कबीना ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हुए कि वह रवि का पुनर्जन्म है, मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीज़ों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। अपनी अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की माँ और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। हालांकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में उसे पेश किया। जैसे ही आदान प्रदान होने वाला होता है, टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटी उन्हें बचाता है और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटी उसका पीछा करता है। वह उसी तरह काली के मंदिर में चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मारा था, लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति और संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। पेकना, ऋषि कपूर, मोंटी ओबराय, रवि वर्मा का पुनः अवतार एक रॉक स्टार, राज किरण, रवि वर्मा, शांता प्रसाद वर्मा के पुत्र सिमी गरेवाल, कामिनी देवी वर्मा, रवि वर्मा की विधवा रानी साहिबा, टीना मोंटी ओबराय, कबीरा की भतीजी, मोंटी की लव इंटरेस्ट और बात की पत्नी, प्रेमनाथ सर यहूदाही,
मुख्य विरोधी PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा, टीना के चाचा दुर्गा खोटे, श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा, रवि वर्मा की माँ रानी माँ, आभा धूलिया, ज्योति वर्मा, पिंकी, रवि वर्मा की बहन, जलाल अघा, डॉक्टर दयाली, मोंटी की दोस्त, चिंकू कपूर, श्री जीजी ओबराय, मोंटी का मेंटर इफ्तिखार, डॉक्टर डेनियल, डॉक्टर दयाल के वरिष्ठ, मोंटी के डॉक्टर बिजू कोटे, बनिया बाएं हाथ, कबीरा का मनु, बीरबली दान्या दाहिना हाथ, कबीरा का मनु, मैक मोहन, सर यहूदा का माने का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है, अरुणा ईरानी नर्तकी, कमल है गाने में, मुकरिस कॉलेज प्राचार्य, यूसुफ खान, रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी, कमलदीप, पीपी रॉय सर यहूदा के वकील, गीत संगीत कर साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मुक्त 1980 भारत, शैली फिल्म साउंड ट्रैक लेबल सारेगामा पब्लिक EMI, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालक्रम ज्योति बनेजवाला 1980 कर्ज 1980 बेरहम 1980। फिल्म के साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित ट्रैक शामिल है आनंद बख्शी के गीतों के साथ, जिन्होंने इन दो हिट ओम शांति ओम और दर्द दिल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त किए। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जीता वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक की ट्रॉफी, किशोर कुमार द्वारा एक हसीना थी और ओम शांति ओम और मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्द दिल जैसी हिट फिल्मों के साथ साउंड ट्रैक भारतीय संगीत उद्योग में डिस्को संगीत और विशेष रूप से फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए एक ट्रेंड सेंटर था। सिग्नेचर ट्यून को जो आज भी यादगार धुनों में से एक के रूप में याद किया जाता है, शीर्षक गीत ओम शांति ओम इसी नाम का लॉर्ड शॉर्टी कैलिप्सो गीत, जबकि नाटकीय एक हसीना थी जॉर्ज बेंसन के वी एज लव जैसा दिखता है। फिल्म का चार्टबस्टर गीत ओम शांति ओम किशोर कुमार द्वारा गाया गया बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1980 में नंबर 2 स्थान पर पहुंच गया, जबकि लता और किशोर के बीच एक और युगल तू कितने बरस की 13वें नंबर पर पहुंच गया। गाना नंबर 1 शांति, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 पैसा ये पैसा, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 तू कितने बरस की, तू कितने बरस का, इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 एक हसीना थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कमल है कमाल है, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मन्ना डे और अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 6 दर्द दिल दर्द जिगर दिल ने जगाया आपने, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 थीम संगीत, इस गाने के गायकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कर्ज मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कर्ज फिल्म, कर्ज अनुवाद ऋण विश्वास गई द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें
सिमी गरेवाल भी है जो कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका में है, जो कि जानलेवा पत्नी है। पिछला जीवन जिसने उन्हें फिल्मफेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसने ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए और उन्होंने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन दो हिट फिल्मों के लिए दो फिल्मफेयर नामांकन प्राप्त हुए। निर्देशक सुभाष घई द्वारा लिखित डॉक्टर राही मासूम रजा संवाद पटकथा की है। सचिन भौमिक द्वारा निर्मित अख्तर फारूकी जगजीत खुराना अभिनीत ऋषि कपूर टीना मुनीम सिमी गरेवाल राजकिरण प्राण पिंचू कपूर मैक मोहन छायांकन कमलाकर रावत द्वारा संपादित बामन भोसले गुरुदत्त शिराली संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी गीत द्वारा वितरित मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड रिलीज की तारीख 1980 कार्यकारी समय 157 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बॉक्स ऑफिस 55 मिलियन भूखंड फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिन्होंने रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी मां को उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है जो उसे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है। अपने बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मरने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे, जबकि कामनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। दो दशक बाद जीजी ओबेरॉय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं, जो एक धुन से शुरू होती है जिसे रवि पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद यह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से वह छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी संयुक्त से कुन्नूर के पास जाता है जहाँ टीना रहती है और उन्हें प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि उसे एक महिला ने पाला था जिसे वह रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सज़ा काटकर जेल से रिहा हो गया है। जैसे ही मोंटी क्षेत्र की खोज करता है और स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसमें रवि की मां और उसकी बहन को कामनी द्वारा उनके घर से निकाल दिया गया था, वह रवि की यादों का और अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामनी एक ही है। कबीरा तब मोटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामनी के भाई ने रवि और काली के मंदिर से जुड़े एक रहस्य को सुनने के बाद की थी। प्रतिशोध में कबीरा ने कामनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया। कामनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा, जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हुए कि वह रवि का पुनर्जन्म है, मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीज़ों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। अपनी अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामनी रवि की मां और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। हालांकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामनी के बदले में उसे पेश किया। जैसे ही आदान प्रदान होने वाला होता है, टीना कामनी पर कूद पड़ती है, जिससे
माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटी उन्हें बचाता है और यहूदा को आग में मार देता है। कामनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटी उसका पीछा करता है। वह उसी तरह काली के मंदिर में चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है जिस तरह उसने रवि को मारा था, लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति और संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। पेकना, ऋषि कपूर, मोंटी ओबराय, रवि वर्मा का पुनः अवतार एक रॉक स्टार, राज किरण, रवि वर्मा, शांता प्रसाद वर्मा के पुत्र सिमी गरेवाल, कामनी देवी वर्मा, रवि वर्मा की विधवा रानी साहिबा, टीना मोंटी ओबराय, कबीरा की भतीजी, मोंटी की लव इंटरेस्ट और बात की पत्नी, प्रेमनाथ, सर यहूदाई मुख्य विरोधी, PRAN, कबीर बादशाह उर्फ कबीरा, टीना के चाचा, दुर्गा खोटे, श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा, रवि वर्मा की माँ रानी माँ, आभा धूलिया, ज्योति वर्मा, पिंकी, रवि वर्मा की बहन, जलाल अघा, डॉक्टर दयाली, मोंटी की दोस्त, चिंकू कपूर, श्री जीजी ओबराय, मोंटी का मेंटर इफ्तिखार, डॉक्टर डेनियल, डॉक्टर दयाल के वरिष्ठ, मोंटी के डॉक्टर बिजू कोटे, बनिया बाएं हाथ, कबीरा का मनु, बीरबली दान्या दाहिना हाथ, कबीरा का मनु, मैक मोहन, सर यहूदा का माने का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है, अरुणा ईरानी नर्तकी, कमल है गाने में, मुकरिस कॉलेज प्राचार्य, यूसुफ खान, रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी, कमलदीप, पीपी रॉय सर यहूदा के वकील। गीत संगीत कर्ज साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुक्त 1980 भारत, शैली फिल्म साउंड ट्रैक लेबल सारेगामा पब्लिक EMI, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कालक्रम ज्योति बने ज्वाला 1980, कर्ज 1980, बेरहम 1980। फिल्म के साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित ट्रैक शामिल है। आनंद बख्शी के गीतों के साथ जिन्होंने इन दो हिट ओम शांति ओम और दर्द दिल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त किए। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जीता वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक की ट्रॉफी, किशोर कुमार द्वारा एक हसीना थी और ओम शांति ओम और मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्द दिल जैसी हिट फिल्मों के साथ साउंड ट्रैक भारतीय संगीत उद्योग में डिस्को संगीत और विशेष रूप से फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए एक ट्रेंड सेंटर था। सिग्नेचर ट्यून को जो आज भी यादगार धुनों में से एक के रूप में याद किया जाता है, शीर्षक गीत ओम शांति ओम इसी नाम का लॉर्ड शॉर्टी कैलिप्सो गीत, जबकि नाटकीय एक हसीना थी जॉर्ज बेंसन के वी एज लव जैसा दिखता है। फिल्म का चार्टबस्टर गीत ओम शांति ओम किशोर कुमार द्वारा गाया गया। बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1980 में नंबर 2 स्थान पर पहुंच गया, जबकि लता और किशोर के बीच एक और युगल तू कितने बरस की 13वें नंबर पर पहुंच गया। गाना नंबर 1 शांति, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 पैसा ये पैसा, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 तू कितने बरस का, इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 एक हसीना थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कमल है कमाल है, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मन्ना डे और अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 6 दर्द दिल दिल ने जगाया अपने, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 थीम संगीत, इस गाने के गायकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको कर्ज मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कर्ज फिल्म, कर्ज अनुवाद ऋण, सुहास घई द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी गरेवाल भी है जो कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका में है, जो कि जानलेवा पत्नी है। पिछला जीवन जिसने उन्हें फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसने ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए और उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन दो हिट फिल्मों के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए। निर्देशक सुभाष घई द्वारा लिखित डॉक्टर राही मासूम रजा संवाद पटकथा की है। सचिन भौमिक द्वारा निर्मित अख्तर फारूकी जगजीत खुराना अभिनीत ऋषि कपूर टीना मुनीम सिमी गरेवाल राज किरण प्राण पिंचू कपूर मैकमोहन छायांकन कमलाकर राव द्वारा संपादित बामन भोसले गुरुदत्त शिराली संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी गीत द्वारा वितरित मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1980, कार्यकारी समय 157 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 55 मिलियन। भूखंड फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिन्होंने रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी मां को उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है, जो उसे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है। अपने बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मरने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे, जबकि कामिनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। दो दशक बाद जीजी ओबराय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं, जो एक धुन से शुरू होती है जिसे रवि पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद यह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से वह छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी संयुक्त से कुन्नूर के पास जाता है, जहां टीना रहती है, और उन्हें प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि उसे एक महिला ने पाला था, जिसे वह रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सज़ा काटकर जेल से रिहा हो गया है। जैसे ही मोंटी क्षेत्र की खोज करता है और स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसमें रवि की मां और उसकी बहन को कामिनी द्वारा उनके घर से निकाल दिया गया था, वह रवि की यादों का और अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली के मंदिर से जुड़े एक रहस्य को सुनने के बाद की थी। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह
जेल चला गया। कामनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हुए कि वह रवि का पुनर्जन्म है, मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीज़ों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। अपनी अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं जिसमें कामनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामनी रवि की माँ और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। हालांकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामनी के बदले में उसे पेश किया। जैसे ही आदान प्रदान होने वाला होता है, टीना कामनी पर कूद पड़ती है जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटी उन्हें बचाता है और यहूदा को आग में मार देता है। कामनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटी उसका पीछा करता है। वह उसी तरह काली के मंदिर में चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है जिस तरह उसने रवि को मारा था, लेकिन इस बार मोंटी कूद गया जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति और संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। फेंकना ऋषि कपूर, मोंटी ओबराय, रवि वर्मा का पुनः अवतार एक रॉक स्टार, राज किरण, रवि वर्मा, शांता प्रसाद वर्मा के पुत्र सिमी गरेवाल, कामनी देवी वर्मा, रवि वर्मा की विधवा रानी साहिबा, टीना मोंटी ओबराय, कबीरा की भतीजी, मोंटी की लव इंटरेस्ट और बात की पत्नी, प्रेमनाथ सर यहूदाही मुख्य विरोधी, PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा, टीना के चाचा दुर्गा खोटे, श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा, रवि वर्मा की माँ रानी माँ, आभा धूलिया, ज्योति वर्मा, पिंकी, रवि वर्मा की बहन, जलाल अघा, डॉक्टर दयाली, मोंटी की दोस्त चिंकू कपूर, श्री जीजी ओबराय, मोंटी का मेंटर इफ्तिखार, डॉक्टर डेनियल, डॉक्टर दयाल के वरिष्ठ, मोंटी के डॉक्टर बिजू कोटे, बनिया बाएं हाथ, कबीरा का मनु, बीरबली दान्या दाहिना हाथ, कबीरा का मनु, मैक मोहन सर यहूदा का माने का मान, एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है, अरुणा ईरानी नर्तकी, कमल है गाने में मुकरिस कॉलेज प्राचार्य, यूसुफ खान रॉक्सी, कबीरा की प्रतिद्वंदी कमलदीप, पीपी रॉय सर यहूदा के वकील। गीत संगीत कर साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मुक्त 1980, भारत, शैली फिल्म साउंड ट्रैक लेबल सारेगामा पब्लिक EMI, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कालक्रम ज्योति बनेजवाला 1980, कर्ज 1980, बेरहम 1980। फिल्म के साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित ट्रैक शामिल है। आनंद बख्शी के गीतों के साथ जिन्होंने इन दो हिट ओम शांति ओम और दर्द दिल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त किए। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जीता वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक की ट्रॉफी। किशोर कुमार द्वारा एक हसीना थी और ओम शांति ओम और मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्द दिल जैसी हिट फिल्मों के साथ साउंड ट्रैक भारतीय संगीत उद्योग में डिस्को संगीत और विशेष रूप से फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए एक ट्रेंड सेंटर था। सिग्नेचर ट्यून को जो आज भी यादगार धुनों में से एक के रूप में याद किया जाता है। शीर्षक गीत ओम शांति ओम इसी नाम का लॉर्ड शॉर्टी कैलिप्सो गीत, जबकि नाटकीय एक हसीना थी जॉर्ज
बेंसन के वी एज लव जैसा दिखता है। फिल्म का चार्टबस्टर गीत ओम शांति ओम किशोर कुमार द्वारा गाया गया। बिनाका गीतमाला की वार्षिक सूची 1980 में नंबर 2 स्थान पर पहुंच गया, जबकि लता और किशोर के बीच एक और युगल तू कितने बरस की 13वें नंबर पर पहुंच गया। गाना नंबर 1 शांति, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 पैसा ये पैसा, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 तू कितने बरस की, तू कितने बरस का, इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 एक हसीना थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कमल है कमाल है, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मन्ना डे और अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 6 दर्द दिल दर्द जिगर दिल ने जगाया आपने, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 थीम संगीत, इस गाने के गायकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कर्ज मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कर्ज फिल्म, कर्ज अनुवाद ऋण विश्वास गई द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी गरेवाल भी है जो कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका में है, जो कि जानलेवा पत्नी है। पिछला जीवन जिसने उन्हें फिल्मफेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जिसने ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए और उन्होंने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन दो हिट फिल्मों के लिए 2 फिल्मफेयर नामांकन प्राप्त हुए। निर्देशक सुभाष घई द्वारा लिखित डॉक्टर राही मासूम रजा संवाद पटकथा की है। सचिन भौमिक द्वारा निर्मित अख्तर फारूकी जगजीत खुराना अभिनीत ऋषि कपूर टीना मुनीम सिमी गरेवाल राजकिरण प्राण पिंचू कपूर मैकमोहन छायांकन कमलाकर रावत द्वारा संपादित बामन भोसले गुरुदत्त शिराली संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी गीत द्वारा वितरित मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड रिलीज की तारीख 1980 कार्यकारी समय 157 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बॉक्स ऑफिस 55 मिलियन भूखंड फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिन्होंने रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी मां को उसे खुशखबरी माना सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है, जो उसे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामनी देवी काली के छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है। अपने बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की मां ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मरने के लिए अपनी मां का कर्ज चुकाने दे, जबकि कामनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओबेरॉय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं, जो एक
धुन से शुरू होती है जिसे रवि पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद यह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से वह छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी संयोग से कुन्नूर के पास जाता है जहाँ टीना रहती है और उन्हें प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि उसे एक महिला ने पाला था जिसे वह रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सज़ा काटकर जेल से रिहा हो गया है। जैसे ही मोंटी क्षेत्र की खोज करता है और स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसमें रवि की माँ और उसकी बहन को कामिनी द्वारा उनके घर से निकाल दिया गया था, वह रवि की यादों का और अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामिनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामिनी के भाई ने रवि और काली के मंदिर से जुड़े एक रहस्य को सुनने के बाद की थी। प्रतिशोध में कबीरा ने कामिनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया। कामिनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हुए कि वह रवि का पुनर्जन्म है, मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीज़ों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामिनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। अपनी अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामिनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामिनी रवि की माँ और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामिनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। हालांकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामिनी के बदले में उसे पेश किया। जैसे ही आदान प्रदान होने वाला होता है, टीना कामिनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटी उन्हें बचाता है और यहूदा को आग में मार देता है। कामिनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटी उसका पीछा करता है। वह उसी तरह काली के मंदिर में चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मारा था, लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति और संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। पेकना ऋषि कपूर, मोंटी ओबराय, रवि वर्मा का पुनः अवतार एक रॉक स्टार, राज किरण, रवि वर्मा, शांता प्रसाद वर्मा के पुत्र सिमी गरेवाल, कामिनी देवी वर्मा, रवि वर्मा की विधवा रानी साहिबा, टीना मोंटी ओबराय, कबीरा की भतीजी, मोंटी की लव इंटरेस्ट और बात की पत्नी, प्रेमनाथ, सर यहूदाही मुख्य विरोधी, PRAN, कबीर बादशाह उर्फ कबीरा, टीना के चाचा दुर्गा खोटे, श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा, रवि वर्मा की माँ रानी माँ, आभा धूलिया, ज्योति वर्मा, पिंकी, रवि वर्मा की बहन, जलाल अघा, डॉक्टर दयाली, मोंटी की दोस्त चिंकू कपूर, श्री जीजी ओबराय, मोंटी का मेंटर इफ्तिखार, डॉक्टर डेनियल, डॉक्टर दयाल के वरिष्ठ, मोंटी के डॉक्टर बिजू कोटे, बनिया बाएं हाथ, कबीरा का मनु, बीरबली दान्या दाहिना हाथ, कबीरा का मनु, मैक मोहन, सर यहूदा का माने का मान एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है, अरुणा ईरानी नर्तकी, कमल है गाने में, मुकरिस कॉलेज प्राचार्य, यूसुफ खान, रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी, कमलदीप, पी पी रॉय सर यहूदा के वकील,
गीत संगीतकार साउंडट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुक्त 1980 भारत शैली फिल्म साउंडट्रैक लेबल सारेगामा पब्लिक EMI निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालक्रम ज्योति बने ज्वाला 1980 कर्ज 1980 बेरहम 1980 फिल्म के साउंडट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित ट्रैक शामिल है। आनंद बख्शी के गीतों के साथ जिन्होंने इन दो हिट ओम शांति ओम और दर्द दिल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त किए। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जीता वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक की ट्रॉफी किशोर कुमार द्वारा एक हसीना थी और ओम शांति ओम और मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्द दिल जैसी हिट फिल्मों के साथ साउंडट्रैक भारतीय संगीत उद्योग में डिस्को संगीत और विशेष रूप से फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए एक ट्रेंड सेंटर था। सिग्नेचर ट्यून को जो आज भी यादगार धुनों में से एक के रूप में याद किया जाता है शीर्षक गीत ओम शांति ओम इसी नाम का लॉर्ड शॉर्टी कैलिप्सो गीत जबकि नाटकीय एक हसीना थी जॉर्ज बेंसन के वी एज लव जैसा दिखता है। फिल्म का चार्टबस्टर गीत ओम शांति ओम किशोर कुमार द्वारा गाया गया बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1980 में नंबर 2 स्थान पर पहुंच गया जबकि लता और किशोर के बीच एक और युगल तू कितने बरस की 13वें नंबर पर पहुंच गया। गाना नंबर 1 शांति इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 पैसा ये पैसा इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 तू कितने बरस की तू कितने बरस का इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 एक हसीना थी इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कमल है कमाल है इस गाने के गायकार किशोर कुमार मन्ना डे और अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 6 दर्द दिल दर्द जिगर दिल ने जगाया आपने इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 थीम संगीत इस गाने के गायकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको कर्ज मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। कर्ज फिल्म कर्ज अनुवाद ऋण सुहास गई द्वारा निर्देशित 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें सिमी गरेवाल भी है जो कामिनी वर्मा की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका में है जो कि जानलेवा पत्नी है। पिछला जीवन जिसने उन्हें फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था जिसने ओम शांति ओम और दर्द दिल जैसे सफल नंबर दिए और उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता। इस फिल्म के लिए गीतकार को इन दो हिट फिल्मों के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुए। निर्देशक सुभाष घई द्वारा लिखित डॉक्टर राही मासूम रजा संवाद पटकथा की है सचिन भौमिक द्वारा निर्मित अख्तर फारूकी जगजीत खुराना अभिनीत ऋषि कपूर टीना मुनीम सिमी गरेवाल राज किरण प्राण पिंचू कपूर मैकमोहन छायांकन कमलाकर राव द्वारा संपादित बामन भोसले गुरुदत्त शिराली संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी गीत द्वारा वितरित मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड रिलीज की तारीख 1980 कार्यकारी समय 157 मिनट
देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 55 मिलियन। भूखंड, फिल्म की शुरुआत रवि वर्मा के सर यहूदा के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीतने से होती है, जिन्होंने रवि के पिता की संपत्ति और संपत्ति को उनकी मृत्यु के बाद अन्यायपूर्ण तरीके से हड़प लिया था। रवि अपनी माँ को उसे खुशखबरी माना सुनाने के लिए बुलाता है और वह अपनी प्रेमिका कामनी से शादी कर रहा है जो उसे अनजान है, जो यहूदा के लिए काम करने वाली सोने की खुदाई करने वाली है। कुन्नूर के घर के रास्ते में कामनी देवी काली के एक छोटे से मंदिर के पास एक चट्टान पर रवि को टक्कर मार देती है। अपने बेटे की अचानक मौत से व्याकुल रवि की माँ ने मांग की कि देवी अपने बेटे को समय से पहले मरने के लिए अपनी माँ का कर्ज चुकाने दे, जबकि कामनी को सब कुछ विरासत में मिलता है। 2 दशक बाद जीजी ओबराय द्वारा पाला गया एक अनाथ मोंटी एक 21 वर्षीय गायक है, जिसे रवि की यादों के दर्शन होने लगते हैं, जो एक धुन से शुरू होती है जिसे रवि पसंद करता था। मोंटी के डॉक्टर मजाक में कहते हैं कि शायद यह रवि का पुनर्जन्म है, लेकिन पूरी गंभीरता से वह छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। मोंटी ऊटी संयुक्त से कुन्नूर के पास जाता है जहाँ टीना रहती है और उन्हें प्यार हो जाता है। टीना उसे बताती है कि उसे एक महिला ने पाला था जिसे वह रानी साहिबा और उसके चाचा कबीरा कहते हैं, जो हत्या के लिए 10 साल की सज़ा काटकर जेल से रिहा हो गया है। जैसे ही मोंटी क्षेत्र की खोज करता है और स्थानीय लोगों से वर्मा परिवार की कहानी सीखता है, जिसमें रवि की माँ और उसकी बहन को कामनी द्वारा उनके घर से निकाल दिया गया था, वह रवि की यादों का और अधिक अनुभव करना शुरू कर देता है, जो और अधिक तीव्र हो जाता है। बाद में वह यह जानकर चौंक जाता है कि टीना की रानी साहिबा और कामनी एक ही है। कबीरा तब मोंटी को बताती है कि टीना के पिता की हत्या कामनी के भाई ने रवि और काली के मंदिर से जुड़े एक रहस्य को सुनने के बाद की थी। प्रतिशोध में कबीरा ने कामनी के भाई को मार डाला, जिसके कारण वह जेल चला गया। कामनी के रहस्य को जानने का नाटक करते हुए कबीरा ने उसे उचित शिक्षा के साथ टीना की परवरिश करने के लिए ब्लैकमेल किया। मोंटी ने कबीरा को रवि वर्मा से अपने संबंध का खुलासा किया और कहा कि उन्हें रवि के अलग परिवार को ढूंढना होगा जिसके साथ मोंटी एकजुट है। यह स्वीकार करते हुए कि वह रवि का पुनर्जन्म है, मोंटी रवि की हत्या को एक साथ करने में सक्षम है। चीज़ों को ठीक करने के लिए मोंटी और कबीरा धीरे धीरे कामनी को यह विश्वास दिलाते हैं कि रवि का भूत बदला लेना चाहता है। अपनी अंतिम चाल में मोंटी और टीना एक स्थानीय स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कामनी शामिल होती है, जहां वे रवि की कहानी का नाटक करते हैं। कामनी रवि की माँ और बहन को देखकर डर जाती है और भाग जाती है। जब मोंटी उसका सामना करता है तो कामनी ने रवि की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसे पुलिस रिकॉर्ड करती है। हालांकि यहूदा ने टीना को बंधक बना लिया और कामनी के बदले में उसे पेश किया। जैसे ही आदान प्रदान होने वाला होता है, टीना कामनी पर कूद पड़ती है, जिससे माली होती है। कबीरा और मोंटी ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यहूदा ने रवि की माँ और बहन को एक घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मोंटी उन्हें बचाता है और यहूदा को आग में मार देता है। कामनी एक जीप में भाग जाती है, लेकिन मोंटी उसका पीछा करता है। वह उसी तरह काली के मंदिर में चट्टान से मोंटी को भगाने की कोशिश करती है, जिस तरह उसने रवि को मारा था, लेकिन इस बार मोंटी कूद गया, जिससे वह अपनी मौत के लिए चट्टान से निकल गया। अंत में वर्मा की संपत्ति और संपत्ति रवि के परिवार को वापस कर दी जाती है और मोंटी टीना से शादी कर लेता है। पेकना, ऋषि कपूर, मोंटी ओबराय, रवि वर्मा का पुनः अवतार एक रॉक स्टार, राज किरण, रवि वर्मा, शांता प्रसाद वर्मा के पुत्र सिमी गरेवाल, कामनी देवी वर्मा, रवि वर्मा की विधवा रानी साहिबा, टीना मोंटी ओबराय, कबीरा की भतीजी, मोंटी की लव इंटरेस्ट और बात की पत्नी, प्रेमनाथ सर यहूदाही,
मुख्य विरोधी PRAN कबीर बादशाह उर्फ कबीरा, टीना के चाचा दुर्गा कोटे, श्रीमती शांता प्रसाद वर्मा, रवि वर्मा की माँ रानी माँ, आभा धूलिया, ज्योति वर्मा, पिंकी, रवि वर्मा की बहन, जलाल अघा, डॉक्टर दयाली, मोंटी की दोस्त, चिंकू कपूर, श्री जीजी ओबराय, मोंटी का मेंटर इफ्तिकार, डॉक्टर डेनियल, डॉक्टर दयाल के वरिष्ठ मोंटी के डॉक्टर बिजू कोटे, बनिया बाएं हाथ कबीरा का मनु, बीरबली दान्या दाहिना हाथ कबीरा का मनु, मैक मोहन सर यहूदा का माने का मान एक आदमी जो सर यहूदा का अनुवाद करता है, अरुणा ईरानी नर्तकी, कमल है गाने में मुकरिस कॉलेज प्राचार्य, यूसुफ खान रॉक्सी कबीरा की प्रतिद्वंदी, कमलदीप पीपी रॉय सर यहूदा के वकील, गीत संगीत कर साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुक्त 1980 भारत, शैली फिल्म साउंड ट्रैक लेबल सारेगामा पब्लिक EMI, निर्माता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कालक्रम ज्योति बने ज्वाला 1980 कर्ज 1980 बेरहम 1980। फिल्म के साउंड ट्रैक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित ट्रैक शामिल है आनंद बख्शी के गीतों के साथ, जिन्होंने इन दो हिट ओम शांति ओम और दर्द दिल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए दो फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त किए। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जीता वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक की ट्रॉफी, किशोर कुमार द्वारा एक हसीना थी और ओम शांति ओम और मोहम्मद रफ़ी द्वारा दर्द दिल जैसी हिट फिल्मों के साथ साउंड ट्रैक भारतीय संगीत उद्योग में डिस्को संगीत और विशेष रूप से फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए एक ट्रेंड सेंटर था। सिग्नेचर ट्यून को जो आज भी यादगार धुनों में से एक के रूप में याद किया जाता है, शीर्षक गीत ओम शांति ओम इसी नाम का लॉर्ड शॉर्टी कैलिप्सो गीत, जबकि नाटकीय एक हसीना थी जॉर्ज बेंसन KV एज लव जैसा दिखता है। फिल्म का चार्टबस्टर गीत ओम शांति ओम किशोर कुमार द्वारा गाया गया बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची 1980 में नंबर 2 स्थान पर पहुंच गया, जबकि लता और किशोर के बीच एक और युगल तू कितने बरस की 13वें नंबर पर पहुंच गया। गाना नंबर 1 शांति इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 पैसा ये पैसा इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 तू कितने बरस की तू कितने बरस का इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 एक हसीना थी इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 कमल है कमाल है इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मन्ना डे और अनुराधा पौडवाल हैं। गाना नंबर 6 दर्द दिल दर्द जिगर दिल ने जगाया आपने इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 थीम संगीत इस गाने के गायकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।